हेलो बच्चों बच्चों, आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ शुरू करेंगे। परिश्रमस्य फलम्। इसके अनुवाद को ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। जो भी एक्सरसाइज है, जो भी इसका अभ्यास है, वो बुक में ही करना है। एकस्मिन् ग्रामे एकः कृषकः वसति स्म। एक गांव में एक किसान रहता था। सह परिश्रमी कर्मठः च आसीत। वह परिश्रमी और कर्मठ था, बहुत मेहनती था। सह सर्वेषां सहायताय सदैव तत्परः आसीत। वह सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। ग्रामस्य जनाः तस्य आदरं कुर्वन्ति स्म। गांव के लोग उसका आदर करते थे। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। उसके चार पुत्र थे। ते अकर्मण्या आसन्। वे आलसी थे। ते कदापि किमपि कार्य न कुर्वन्ति स्म। वे कभी भी कोई कार्य नहीं करते थे। ते परस्परं कलहेन जनक पीड्यन्ति स्म। वे आपस में लड़ाई झगड़ा करते और उनके पिता को दुख देते थे। शने शने सह कृषकः वृद्धः अभवत्। धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। तस्य शरीरः अपि दुर्बलः अभवत्। उसका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया। अधुना सह किमपि कार्य कर्तुं समर्थ न च आसीत्। अब वह किसी भी कार्य को करने के लिए योग्य नहीं था। यदा सह मरणासन्न अभवत्। जब उसकी मरने जैसी स्थिति आ गई, तदा स्वपुत्रान आहयु। उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया। सह अवदत् अधुना अहम मरणासन्नः अस्मि। अब मेरी मरने की स्थिति आ गई है। यूयम सर्वे मम प्रियाः स्तः। एतदर्थम् अहम युष्मन् स्वजीन जीवनस्य संचित कोश विषये वदामि। अस्माकं क्षेत्रे एकं स्वर्णपूरितं पात्रम् अस्ति। यूयम तत्र गच्छतम् भूमि च खनित्वा तत् पात्रम् प्राप्य सुखी भवत्। अब वह अपने पुत्र को बुलाकर क्या कहता है कि तुम सभी मेरे लिए मेरे प्रिय हो, है ना, और इसलिए मैंने अपने जो जीवन में कुछ खजाना मैंने संचित रखा है, उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे हमारे जो खेत में एक सोने का पात्र है ना, और तुम उस भूमि को खोदो और उस पात्र को लेकर सुखी हो जाओ। इति कथियत्वा सह दिवंगत। अब ये कह के वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दिनांतरे प्रातः उत्थाय कृषक पुत्राः प्रसन्नाः भूत्वा क्षेत्रम् अगच्छन्। सुबह होते ही वे किसान के पुत्र उठकर खुश होकर खेत की ओर जाते हैं। तत्र सर्वे मिलित्वा क्षेत्रम् अखनन्। पर तत्र किंचितपि न अमिलत्। अब वे सभी मिलकर खेत को खोदते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। ते दुखितनः अभवन् गृहं च आगच्छन्। वे दुखी होकर घर आ जाते हैं। गृहं आगत्य ते सर्व वृतांत स्वमात्रम् अकथयत्। घर आकर वे सभी इस पूरी घटना को अपनी माँ को सुनाते हैं, माँ को कहते हैं। सर्व वृतांत विज्ञाय माता तान अवदत्। सारी घटना सुनकर उनकी माता कहती है, यूयम क्षेत्रम अखनत अधुना तत्र बीजानी अपि उपत्वा स्वपरिश्रम सार्थक कथम न कुरु। कि अब तुमने जब पूरा खेत खोद ही दिया है तो तुम वहाँ बीज भी उगा दो, है ना, तो तुम अपनी मेहनत के, तुम्हारा जो मेहनत तुमने की है वह व्यर्थ नहीं होगी। परिश्रमस्य फलम सदा सर्वदा मधुरम एव भवति। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। उद्यमम कदापि व्यर्थ न गच्छति। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ते मातरम प्रणम्य पुनः क्षेत्रम अगच्छन्। ये माता को प्रणाम करके पुनः खेत की ओर जाते हैं। आलस्यम परित्यजन क्षेत्रम आगत्य ते तत्र बीजानी अपि अवपन। आलस्य को त्याग कर वे खेत में आकर बीजों को वहाँ पर रोपते हैं। संयोगनेन स्ववृष्टि अभवत। कालांतरे बीजानी अंकुरतानी अभवन। संयोग से वर्षा होती है और कुछ समय बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं। तान लघु पादपान दृष्ट्वा कृषक पुत्राः प्रसन्ना अभवत। उन छोटे छोटे पौधों को देखकर किसान के पुत्र खुश हो जाते हैं। अधुना ते प्रतिदिन क्षेत्रम गत्वा परिश्रम कुर्वन्ति स्म। तेषा परिश्रमं क्षेत्र
शस्य संपन्नम अभवत। इस तरह अब वे रोज प्रतिदिन खेत पर जाते हैं और परिश्रम मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से खेती का पूरा काम देखते हैं। हरितानि शस्यानि विक्षिते प्रसन्ना अभवत, और अपनी हरी हरी फसलों को देखकर वे खुश होते हैं। अन्नानि विक्रियते धनिका अभवत, और अन्न को बेचने से वे धनी भी हो गए। अधुना ते पितुः कथनम अवगच्छत, अतः सत्यमेव अस्ति परिश्रम कदापि व्यर्थ न गच्छति, परिश्रम एव मानवस्य सर्वश्रेष्ठ धनम अस्ति। और वे अपने पिता के बात को भी समझ जाते हैं, अतः सत्य ही कहा गया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और परिश्रम ही मानव का सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है। तो ये कहानी मेहनत पर आधारित एक कहानी थी बच्चों। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए, कॉपी में आपको कुछ नहीं लिखना है। ग्रामे गांव में परिश्रमी मेहनती सदैव हमेशा कलहेन झगड़े से कोशह खजाना उत्थाय उठकर वृक्ष देखकर कृषकः किसान सहायताए सहायता के लिए अकर्मण्या आलसी शनिः शनिः धीरे धीरे आहूय बुलाकर बदामी कह रहा हूँ शस्यानी फसल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर इसके सामने ही लिखे हैं बच्चों, आप अपनी बुक में ही लिखिए अभी उत्तर, कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। कृषकः कुत्र वसति स्म? एकस्मिन् ग्रामे। कृषकस्य कति पुत्राः आसन्? चत्वारः। पुत्राः परस्परं किं कुर्वन्ति स्म? कलह। ते कुत्र बीजानि अवपन्? क्षेत्रम्। उचित विकल्प चुनिए। कृषकः पुत्राः कीदृशाः आसन्? अकर्मण्या, आलसी थे ना उसके पुत्र। शनि शनि कृषक कीदृशः अभवत्? वृद्धः। उद्यमं कदापि व्यर्थ न भवति इति का अवदत्? माता। क्षेत्रे एकं स्वर्णपूरितं पात्रम् अस्ति इति कः अवदत्? कृषकः। एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पुत्रः किं परित्यज्य क्षेत्रम् अखनन् आलस्यम्? पुत्रों ने क्या त्याग कर खेत को खोदा? आलस्य को त्याग कर। कृषकः कस्य सदैव तत्पर आसीत्? सर्वेषः सहायताये, सभी की सहायता के लिए तैयार रहता था। स्वपितरं के पीड्यन्ति स्म? परस्परं कंपेन, कलहेन, परस्परं कलहेन, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से उनके माता पिता दुखी रहते थे। स्वर्णपूरितं पात्रं कुत्र आसीत्? क्षेत्रे आसीत्। सोने से भरा हुआ पात्र कहाँ था? खेत में था। इन सभी को आपको अपनी बुक में करना है।